चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पॉल्यूशन। तो देखिए, ये एक्चुअली अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 5th है, जिसमें आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और आपका जो है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके एनवायरमेंट में, जब आपके पर्यावरण में कुछ ऐसे सब्सटेंस जुड़ जाते हैं जो यूजलेस है, जिनका कोई रोल नहीं है, और जुड़ने के बाद वो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, वो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं और ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को पॉल्यूशन बोलते हैं। तो पॉल्यूशन कुछ नहीं है, इट रेफर्स टू एडिंग ऑफ यूजलेस सब्सटेंस इन आर एनवायरमेंट विच अफेक्ट्स प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जो भी कारक जुड़ते हैं, जो भी फैक्टर्स जुड़ते हैं इस एनवायरमेंट के पॉल्यूशन में, उनको नाम दिया गया पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एनवायरमेंट जो भी छोटे मोटे कण हैं जो आपके एनवायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो उनको हम कुछ और नहीं, हम उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, चलिए बच्चा, पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्पोजल के आधार पर और एक होता है नेचर के आधार पर। अब सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल, डिस्पोजल के आधार पर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है डिस्पोज करना, नष्ट करना। ठीक है, तो दो प्रकार के पॉल्यूटेंट है, उसकी नष्टता के आधार पर। ठीक है, एक को बोलते हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इट मीन्स ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको माइक्रोब्स द्वारा, सूक्ष्म जीवियों द्वारा, बड़ा माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि आप देखते हो अगर आपने कई ब्रेड रखी या कुछ भी खाने को रखा, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही सड़ने लग जाता है। एक्चुअली वो अपने आप सड़ता नहीं है, उनको बहुत ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े द्वारा, जिनको आप देख भी नहीं सकते, जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा, उनके द्वारा उसको खराब कर लिया जाता है। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जिनको, जो कि माइक्रोब द्वारा नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जैसे कि सीवेज, आप देखते हो नालियों के पास, सीवेज के पास बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भिन बनाते रहते हैं, बहुत ही मक्खियां, बहुत ही छोटे छोटे, आपने देखा होगा कभी, एनिमल डंग, गाय का गोबर हो गया फूड। तो ऐसे पॉल्यूटेंट है जिनको खत्म किया जा सकता है, जिनको माइक्रोब्स द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े द्वारा नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हो कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं, कुछ प्रदूषक ऐसे भी होते हैं जो कभी नष्ट ही नहीं होते। अगर आज ऐसा है तो वो 50 साल के बाद भी वैसा रहेगा और एनवायरमेंट को दूषित करेगा, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। तो ऐसे को बच्चों बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैसे कि प्लास्टिक। आप देखो, आज आपने की प्लास्टिक डाली, 10 साल बाद आपको प्लास्टिक वैसी मिलेगी, ग्लास शीशा हो गया, इट मीन्स ये पॉल्यूटेंट डीकम्पोज। डीकम्पोज का बच्चों मतलब होता है सड़ना, गलना, माइक्रोब द्वारा ये सड़ते नहीं है, माइक्रोब द्वारा गलते नहीं है, जैसे है वैसे ही रहते हैं। तो बच्चों डिग्रेडेबल के अनुसार, डिस्पोजल के अनुसार हमारे पास क्या हो गए, दो प्रकार के हो गए पॉल्यूटेंट। अब बच्चों बात करते हैं आगे, फॉर्म नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, फॉर्म रूप के आधार पर भी दो प्रकार के होते पॉल्यूटेंट। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और आपको पता होना चाहिए DUSOL में ये आता है कि ये क्या है और ये क्या है, और तो और इनमें डिफरेंस भी आता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या अंतर है। तो सुनो बेटा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि जिस रूप में पाए जाते हैं एनवायरमेंट में भी उसी रूप में रहते हैं। सुनो मैंने क्या बोला, जिस रूप में प्रोड्यूस हुए सेम फॉर्म, वो उसी फॉर्म में एनवायरमेंट में पास होते रहते हैं, वो उसी फॉर्म में एनवायरमेंट में रहते हैं, उन वो अपनी प्रकृति, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। जैसे कि प्लास्टिक, जैसा प्लास्टिक बना प्लास्टिक वैसा रहेगा, आगे चेंज नहीं हो पाएगा। DDT
आपको पढ़ाया था मैंने, डीडीटी भी जैसा होता है वैसा रहता है, वो अपनी प्रकृति को अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। तो बच्चों इनको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। दूसरे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये क्या होते हैं? जैसे मिले थे वैसे नहीं होते, जैसे मिले थे वैसे नहीं होते। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, प्लस ये भी प्राइमरी है, प्लस ये भी प्राइमरी है। अब इन तीनों प्राइमरी को मिला के जो भी बनता है, इन तीनों प्राइमरी को मिलाकर जो भी पॉल्यूटेंट बनता है बच्चों, याद रखना, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इट मीन्स क्या, अब ध्यान से क्या लिखा है, दीज पॉल्यूटेंट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के आपस में मिलने पर ये बनते हैं, जैसे कि ओजोन। अगर ओजोन की बात करें तो ओ प्लस ओ टू, ओ प्लस ओ टू मिलकर जो है ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ओ प्लस ओ टू मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं डस्ट। डस्ट मीन्स धूल। अब इस डस्ट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स इस डस्ट के अंदर मिले होते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट को मिलकर जो पॉल्यूटेंट बनते हैं क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें अंतर क्या है ये भी जान लेते हैं। चलिए पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तो मेरा मीनिंग हो गया वही जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया। अगला अंतर, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कम जहरीले है जबकि ये होते हैं ज्यादा जहरीले। दूसरा, इट इज रिलीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। प्राइमरी पॉल्यूटेंट ह्यूमन एक्टिविटीज या प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं जबकि ये केवल केवल प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा निर्मित नहीं होते। अगला, प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। एग्जाम्पल क्या प्राइमरी के, डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने अपने मुंह से क्या निकाली, CO2 तो निकाली है, इट मीन्स आपने उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। जिस फॉर्म से आपने निकाली एयर में भी उसी फॉर्म में, लेकिन ओजोन, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगला, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसके इफेक्ट क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बोल रहा है, एयर में कुछ ऐसे यूजलेस सब्सटेंस का ऐड हो जाना जो मनुष्य और उसके एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, उसके बोलते एयर पोल्यूशन। बहती हवा में जब कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं जो मनुष्य को और मनुष्य के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे तत्व एयर पॉल्यूशन कहलाते हैं। अब ये क्यों होता है, तो भाई ये भी जान लो। तो बड़ा हम लोग अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के कारण। देखिए सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इतने उद्योग बन रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री भाई सब, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के बढ़ने की वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी इंडस्ट्री ओपन होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री ओपन होती है, धुआं छोड़ती है, और उस धुएं में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, जो कि एयर पॉल्यूशन का मेन कॉज है। दूसरा, कंबंशन ऑफ सिगरेट प्लास्टिक। कंबंशन मीन जलना, लोग सिगरेट फूंकते सुट्टा मारते हैं, लोग प्लास्टिक जला रहे हैं घर में, हाथ सेक रहे हैं, तो प्लास्टिक के जलने से, सिगरेट के जलने से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, एक एयर पॉल्यूशन है। वॉल्केनिक इरप्शन, कभी कभी ज्वालामुखी फटता है, तो जब ये ज्वालामुखी फटता है तो फटने पर ये ऐसी गैस छोड़ता है जो कि एनवायरनमेंट को बुरी तरह से प्रभावित करती है। अगला, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना। आप जानते हो अभी अमेजोन का जंगलों में आग लगी थी, तो अमेजोन के जंगलों में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। तो इन जंगलों में आग लगने से जो लकड़ियां जलती है, जो बहुत सारे प्लांट जलते हैं, ये भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। फ्लाई ऐश, आप जब घर में कोयला जलाते हो तो आप देखते हो कोयले के जलने पर, आप कभी ध्यान देना, सर्दी अभी भी थोड़ी है, अभी आप जला सकते हो, कभी ध्यान देना, जलता है कोयला तो कुछ छोटे छोटे काले काले पार्टिकल से ऊपर उड़ जाते हैं
और कुछ नीचे रहते हैं। तो जो छोटे छोटे काले काले पार्टिकल्स ऊपर उड़ जाते हैं और आप देखते हो वो ऊपर उड़ गए, आपके हाथ पे बैठ गए, आपके कपड़ों पर बैठ गए, प्लांट्स पर बैठ गए, इनको ही बोलते हैं फ्लाई ऐश। हिंदी में इसको बोलते हैं उड़न राख, कि कोयले के जलने पर कुछ राख तो नीचे रहे और कुछ राख हवा में छोटे छोटे काले काले स्पॉट्स बन के उड़ जाती है। उन्हें बोलते हैं फ्लाई ऐश, जो काफी खतरनाक है, जो एयर पॉल्यूशन का एक मुख्य कारण है। अगला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का जलना, पेट्रोल का जलना, सीएनजी का जलना, इन सब के जलने से भी क्या होता है बच्चों, एयर पॉल्यूशन होता है। अगला, यूज ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर, घर में बैठे हो भाई साहब एसी ऑन कर लिया, घर में बैठे हो फ्रिज ऑन कर लिया, तो फ्रिज से एसी से आप जानते हो क्लोरो फ्लोरो कार्बन नाम की गैस निकलती है जो कि एयर पोल्यूशन है। कैसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर उसको पतला करती है, ओजोन को खत्म करती है, तो ये भी क्या एक प्रकार का एयर पोल्यूशन। थोड़ी लाइट डिम हो गई जरा स्क्रीन की, ढूंढना बच्चों स्क्रीन की लाइट डिम हो गई। अगला, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यस ऑटोमोबाइल मीन्स गाड़ियां, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने से धुआं निकलता है, वो भी क्या है एयर पोल्यूशन। और किचन में रसोई में लकड़ी का केरोसिन के जलने से भी क्या होता है बच्चों, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये आपको पढ़ा है मैंने 9 कोर्स, इन 9 कोर्स की हेडिंग लिखना और जाके इनको एक्सप्लेन कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला, अब हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं या फिर क्या कारण है एयर पॉल्यूशन के, तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एयर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते और किस प्रकार ये मनुष्य को मानव को प्रभावित करते हैं। तो देखो भैया, एयर पॉल्यूटेंट मीन्स ऐसे तत्व जो हवा में मिलते हैं और हवा को दूषित कर देते हैं, ऐसे तत्व जो हवा में मिलकर हवा को दूषित कर देते हैं एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। और ये दो रूप में पाए जाते हैं, एक होता है पार्टिकल के फॉर्म में छोटे छोटे कणों के रूप में और एक होता है गैस के रूप में। ठीक है, तो बच्चों पहले पढ़ते हैं गैस वाले। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के रूप में पाए जाने वाले पार्टिकल सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारे सोन लगे रहो। अगला, पार्टिकल के फॉर्म में कौन से होते हैं, फ्लाई ऐश उड़ती राख, स्मॉग धुआं, डस्ट धूल, पीएम पर्टिकुलेट मैटर, एसपीएम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में। तो चलिए, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का प्रभाव और मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले जानते हैं पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं पीएम के बारे में। तो देखिए, इट इज वेरी टाइनी पार्टिकल, यस ये हवा में घूमने वाले बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स गाड़ियों के चलने से या इंडस्ट्री के धुएं से निकलते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PM10, एक होता है PM2.5। अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो न्यूज में भी अक्सर आता है कि PM2.5 की मात्रा इतनी पाई गई, PM10 की मात्रा इतनी पाई गई। तो एक होता है PM10, PM2.5, एक्चुअली 10 और 2.5 है क्या बच्चों, ये है साइज, ये है उस कण का, उस मैटर का साइज। अगर किसी भी धूल के कण का साइज या किसी भी मॉलिक्यूल का साइज एयर में मिलने वाले मॉलिक्यूल का साइज 2.5 mm, बच्चों क्या बोला mm का है, तो उसको बोलते हैं PM2.5। और अगर साइज थोड़ा बड़ा है, इट मीन्स अगर साइज आपका इतना हो गया 10 mm का हो गया, दैट मीन्स हवा में मिलने वाले कण का अगर साइज 10 mm मीन्स मिलीमीटर का है, तो उसको बोलते हैं PM10। तो एक होता है PM10, एक PM2.5। इट मींस क्या, PM2.5 थोड़े छोटे कार का होता है और PM10 थोड़े बड़े कार का होता है। तो इससे एक बार समझ में और आ गई, अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से सांस लेने पर PM10 हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और PM2.5 जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नाक से सांस लेते हो तो नाक से सांस लेने पर PM2.5 तो आपके शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन PM10 शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और नाक के जो हमारे बाल होते हैं वो काम करते हैं फिल्टर का, जिसकी वजह से PM10 हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा अगर हम सांस लेते नाक से। लेकिन अगर हम सांस लेते हैं मुंह से तो PM10 भी हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। और अगर एक बार PM10
हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमारे लंग्स को खराब कर देगा, लंग्स डिजीज कर देगा, और अगर पीएम 2.5 चला गया तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारे खून के अंदर मिल जाएगा और हमारा खून खराब कर देगा। लिखा भी है कि पीएम 10 जो है मुंह के द्वारा जाता है और कि पीएम 2.5 नोज के द्वारा जाता है। दिल्ली में जब मैं पढ़ा था, जब दिल्ली की बात हुई थी, तो दिल्ली के अंदर तो इतना बुरा हाल था कि दिल्ली के अंदर पीएम 1 नाम का ही पाया गया था, जिसका रेडियस कितना होगा 1 mm का रेडियस। अगर रेडियस कितना है 1 mm, उसे क्या बोला जाएगा PM1। और ये इतना छोटा होता है कि ये ब्लड के साथ साथ, खून के साथ साथ हमारे सेल्स, हमारे कोशिकाओं के अंदर भी मिल जाता है। चलिए अगला SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ये भी काफी छोटा पार्टिकल होता है जो कि सॉलिड मटेरियल, इट मीन्स प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, इन सब के जलने से निकलता है। ये भी दो होता है, एक पीएम 10 साइज का और पीएम 2.5 साइज का। आप जानते हो कि पीएम 10 बड़ा होगा और पीएम 2.5 छोटा होगा। ये भी काफ़ी हानिकारक है, ये भी खून में, लंग्स में मिल जाता है। और पीएम 10 तो हमारे लंग्स के अंदर एक जगह है एल वाली, आप सर्च करना, हमारे लंग्स के अंदर एल वाली के अंदर जाकर वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में पानी वानी भर जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला फ्लाई ऐश, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये क्या होता है कि जब जलता है कोयला तो कोयले के जलने से, ये देखो जल रहा है ना, हाँ, तो जब जलता है कोयला, अभी नहीं जल रहा, जल तो रहा है भाई, हाँ सुनिए, तो जब जलता है कोयला तो कोयले के जलने से या फिर क्रॉप्स, फसलों के जलने से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं फ्लाई ऐश। मैंने आपको बताया था कि कोयला जलाओगे तो होता क्या है, कुछ कुछ राख जमीन पर रहती है, जिसको बच्चों बोलते हैं बॉटम ऐश, उसको बोलते हैं हिंदी में पैंदे की राख। लेकिन कुछ राख क्या होती है, वो उड़ के आसमान में चली जाती है बच्चों, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो उस फ्लाई ऐश के अंदर सिलिकेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इस फ्लाई ऐश के अंदर, जो कि अगर हम सांस लेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारा श्वसन अंग प्रभावित होगा, जिससे सांस लेने में समस्या होगी। दूसरा, यह क्षेत्र में एसिडिटी को, इट मीन्स अम्लीयता को, एसिड को बढ़ा देता है, और एसिड के बढ़ने से माइक्रोब्स की मृत्यु हो जाती है। और अगर माइक्रोब्स नहीं हो गए तो आप जानते हो, हमने शुरू में पढ़ा था, अगर माइक्रोब्स नहीं हो गए तो सीवेज को, गोबर को, ये खाने को डिस्ट्रॉय कौन करेगा। अगला, अगर इट स्टे ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर जाके बैठ जाते हैं तो प्लांट्स की लीफ, जो पत्ती होती है, वो खराब होना, सड़ना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जो अगला है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, आपने देखा होगा बड़ा धुआं, इसको हिंदी में बोलते हैं धुआंसा, तो धुआंसा होता है, ठीक है। अगर हम, ये काफी खतरनाक होता है, अगर हम इसको अपने इनहेल करेंगे, सांस लेंगे तो ब्रीथिंग में समस्या आएगी। ये भी इंडस्ट्री द्वारा निकलता है, इंडस्ट्री में आप जानते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, उससे निकलता है। दूसरा, एक और इसका मेन है, आप देखते हो कभी कभी घर में जब आपकी वाइट वॉश होती है, पेंट होता है, तो पेंट के समय, वाइट वॉश के समय आपको एक अजीब सी स्मेल आती है, उस स्मेल में एक्चुअली उस पेंट में शामिल होता है बच्चों वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वॉलेटाइल, और देखते भी होगे आप कि कभी कभी वो स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दिक्कत होती है सांस लेने में, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो यस, ये भी एक तरह का स्मॉग का ही पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यस, इसको सांस लेके ही, देख के ही बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिजीज को प्रभावित करेगा। तीसरा, इससे विटामिन डी की कमी होती है, और अगर याद रखना, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उससे ह्यूमन की विजिबिलिटी, देखने की क्षमता कम हो जाती है, सब ब्लैक ब्लैक दिखेगा। अगला, तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया, अगर आपको समझ में आया होगा पार्टिकल के रूप में, कि पार्टिकल के रूप में कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ लिए। सबसे पहला पर्टिकुलेट मैटर, दूसरा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, तीसरा फ्लाई ऐश, चौथा स्मॉग। अब बच्चों पढ़ते हैं गैस के रूप में। अगर गैस के रूप में बात करें तो गैस के रूप में सबसे पहला है बच्चों हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये बोल रहा है जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप फ्यूल जलाते हो, ठीक है,
ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल चलाते हो तो उनके जलने से जो भी गैस निकलती है उसे क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इससे होता क्या है, तो आप जानते हो एसिड रेनफॉल आपको पढ़ा रखा है मैंने आपकी पहले वाली वीडियो में। आई इचिंग प्रॉब्लम, आंखों में जलन मचेगी, इफेक्ट द लंग, आपके लंग्स प्रभावित हो जाएंगे। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किससे निकलता है, जब हम सिगरेट जलाते हैं। फिर आप देखते हो सर्दियों में रूम के अंदर हमने हीटर ऑन कर लिया, तो रूम के अंदर हीटर ऑन करने से या सिगरेट के जलाने से या फ्यूल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, इससे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। इसलिए आपको एडवाइस करूंगा कभी भी अपने घर में रूम में रात को हीटर चला के सो मत जाओ, क्योंकि रात को अगर हीटर चलेगा तो हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रूम की गैस को कम कर सकती है। और अगर आपके रूम की ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या पता आप सुबह आंख ना खोल पाओ अपनी, आप मरे पड़े मिले। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज के अंदर जो लोग है रूम के अंदर ही बैठे बैठे मर जाते हैं, चलता ही नहीं पता कैसे मरे, ऐसे कैसे नहीं मर गए। साइंटिफिक रीजन यही है कि उसने रूम में हीटर ऑन कर रखा था, हीटर से ऑक्सीजन की गैस कम होती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस लेने में समस्या होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला इट कॉजेज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, रिफ्लेक्स एक्शन मीन याददाश्त, तो उसे याददाश्त पे हमारा प्रभाव पड़ता है। चलिए जो अगली गैस है कार्बन, आप जानते ही हो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, ये सभी गैसों में सबसे भारी गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो अब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हूज सम और मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स हैव रिप्लेस बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम्स आर कॉल्ड CFC। हाइड्रोकार्बन एक गैस है, जब उसके कुछ एटम को फ्लोरीन और देखो क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो इसी से बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कुछ एटम्स क्लोरीन और फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना ये AC और फ्रिज से निकलती है। अब सुनो बात को बहुत ध्यान से, देखो बेटा आपको भी दिखाता हूँ कुछ मैं, मान लो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई, वो नहीं आ रहा, चलो यहीं पे आ जाओ फिर आप। फिर सुनिए, देखिए बच्चों मान लो कि ये आपकी अर्थ है, अब अर्थ से काफी ऊंचाई पर एक लेयर मिलती है, उस लेयर को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि लगभग अर्थ से 15 से 20 किलोमीटर, ये अर्थ है, अर्थ से 15 से 20 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो लेयर आती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में समताप मंडल। जो CFC गैस है वो 10 से 15 साल लगा देती है स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने पे, और जब वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंच जाती है तो जो उसकी पावर थी वो 1500 से 7000 गुना ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या बोला मैंने, वो 1500 से 7000 गुना मोर हीट प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, जब तक देखो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाओगे आपको मिलेगा ट्रेटोस्फेयर, तो जब वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंचती है और उससे ऊपर जाती है तो 1500 से 7000 गुना गर्म हो जाती है, और फिर वो वहां पर 65 से 110 साल तक रहती है। फिर ये गैस मतलब 10 से 15 साल लगे पहुंचने में, जब 15 साल बाद पहुंच गए तो 65 से 110 साल बाद यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे रहेंगे ये गैस गर्म होगी, और ये गैस गर्म होगी तो गर्म होने से जो हमारी ओजोन लेयर है ये ओजोन लेयर खत्म करेगी, ओजोन लेयर को पतला करेगी, और अगर गैस गर्म होगी तो आप जानते हो गर्म होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको वही आ गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन की लेयर पतली जाएगी, और आप जानते हो आपने बचपन पढ़ा होगा जब ओजोन लेयर कमजोर हो जाती है तो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस UV किरणें हम तक पहुंचेगी, और अगर हम तक पहुंच गई तो आप जानते हो स्किन कैंसर हमें हो जाएगा। अगला एसिड रेन भी क्या, एक तरह का एयर पोल्यूशन, आप जानते हो
कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इंडस्ट्री से बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जब बारिश होती है, तो बारिश के मॉलिक्यूल इंडस्ट्री के उन पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर जो बारिश हमारे ऊपर गिरती है उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अगर आपको याद हो मैंने बताया था एसिड रेन में जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम होती है। तो बोल रहा है पॉल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एटमोसफेयर में मिलते हैं, तो जब रेन होती है तो ये पोल्यूटेंट पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड का निर्माण करते हैं और अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं, जिससे क्या होता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, फसलों को काफी अधिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। ठीक है बच्चों आगे पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है बच्चों चलिए इफेक्ट ऑन प्लांट्स मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी है। ठीक है अगली वीडियो में लेके आता हूँ इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स और फिर एयर पॉल्यूशन के पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे यूट्यूब आईडी पे गिवन है, आप उस पर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए 9643993334। तो 9643993334 इज माई व्हाट्सएप नंबर। और अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो मेरी आईडी है Pratham Singh999। आप डालना प्रथम सिंह, लिखना पूरा लिखना पीएस नहीं, प्रथम सिंह फिर 999 लिखना, देन आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।